इस तरह से। वेलकम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इंडिया का। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, और आज हम जा रहे हैं गलतेश्वर महादेव का मंदिर है, और नहाने के लिए तीन रूम भी बनाए हैं वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे कामरेज वहीं से, और कुछ रिक्शा आप पकड़ेंगे या सब पकड़ लेंगे। अभी हमारा बस नहीं आया, और ये BRT बस स्टॉप है। ए भी दे आपको ये सब पार्किंग है, देख रहे हो। अभी बजे है 11, और देख रहे हो शिवलिंग का, महादेव का थोड़ा बहुत अब दिख रहा है, देख रहे हो बहुत बड़ी मूर्ति है। देख रहे हो ना इतनी बड़ी महादेव की मूर्ति, और इसके नीचे भी 12 ज्योतिर्लिंग की मूर्ति बनाई गई, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग की लिंगे है इसके नीचे। लेकिन वहीं फोटो शूटिंग नॉट अलाउड है, देख रहे हो, वहीं से निकलने का है, और सामने ही ऐसे रास्ता है वहीं से जाने का है, ठीक है। इसके नीचे ही है 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे जैसी ही रहती है शिवलिंग, उस हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। उसका तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बाहर का कुछ दिखा पा रहा हूँ। देख रहे दोस्तों वो पानी सब इस तरह से आता है, और एक कुंड में जाता है, देख रहे हो, इस तरह से कुंड में पानी आता है। और आगे से निकल जाता है पानी, आगे भी एक कुंड है छोटा सा, और जाली भी रखा हुआ, देख रहे हो जबरदस्त नज़ारा। और आज रविवार है, संडे का दिन, बहुत ज़्यादा पब्लिक है इसी हिसाब से। अभी और पब्लिक आ ही रहा है धीरे 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 धीरे। चार कुंड है, चार, एक दो और तीन, बीच में पाली, और चौथा लास्ट वाला। अभी पब्लिक आ ही रही है नहाने के लिए, तो जाने का नाम ले लेते हैं, और आने वाले रुक नहीं रहे, नहाने वाले जाने का नाम नहीं लेते और आने वाले रुक नहीं रहे, अभी और ट्रैफिक होगा।
भोपाल डिस्ट्रिक्ट गए, हम बस कुछ देर के लिए गए थे अंदर और वापस आ गए। तो बहुत भीड़ है और बहुत ट्रैफिक भी है उस हिसाब से, वैसे भी मेरे को इस धूप में भी पानी बहुत ठंडा लग रहा था, एकदम नहीं रहा था। तापी नदी है, तापी नदी का पानी आता है किस तरह से और वहाँ से जाता है तापी में मिल जाता फिर। जा रहे हैं घर पे और आपको जितना उसे को उतना दिखाने की कोशिश करें किया हमने, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आए तो है और कुछ ना हो तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं घर पे और आ गए हमारे छोटे भाई, चलो रखते हैं। पता नहीं आपको दिखा पाऊँ या यहीं पे ही ख़त्म कर दूँ, पक्का नहीं कह सकता, ठीक है। यहीं पे एम भी समझो क्या, कुछ थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होगा तो आगे दिखा दूँगा आपको, ठीक है दोस्तों। घर आ चुके हैं और हमने फिर से नहा लिए और शाम के 7:10 हो चुके हैं और वहाँ की टिकट रहती है 50 रुपये नहाने के लिए, उसको उनके अंदर नहाने के लिए जैसे स्विमिंग पूल की तरह लगता है उसमें नहाने की, लेकिन वहीं पे घूमने फिरने की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करने की, वहाँ फ़ोटो नहीं खींचने देते शूटिंग होटल वालों के, लेकिन वहीं का कोई टिकट नहीं है, ठीक है दोस्तों। सूरत के नज़दीक में है गलतेश्वर महादेव, आप कैम्ब्रिज पहुँच के बोलोगे गलतेश्वर महादेव या सूरत में कहीं भी बोलोगे तो पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन कैम्ब्रिज से नज़दीक रहता है उस हिसाब से, ठीक है। अब यहीं पे वीडियो एंड करते हैं।